नमस्कार, मैं हूं अंकुश गोस्वामी, आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना। अपनी मांगों को लेकर आज आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के नाम बीएमओ को दिया ज्ञापन। मुरैना केलारस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनियों ने आज अपनी मांगों को लेकर नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी दर्जा व मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम केलारस ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग में संविलियन किया जाए, उनका मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की। मुरैना से हकीम सिंह आर्य की खास रिपोर्ट। यहाँ इतनी कार्यकर्ता महिला आशा कार्यकर्ता इकट्ठी हुई हैं, क्या कारण है इसका? हम सभी आशा कार्यकर्ता हैं एवं आशा सहयोगी बहनें हैं। हमें कम से कम 10 से 12 साल हो गए कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, जो भी बीमारी से स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी बीमारी या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सारे काम आशा कार्यकर्ताएं ही संभाल रही हैं और क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचा रही हैं। लेकिन हमें इसके बदले में इस कार्य के बदले में ना तो कभी हमारे कार्य का कोई वो शासन ने सोचा कि ये आशाएं कितना काम कर रही हैं, इसके बदले हमें कोई ऐसी राशि नहीं दी जाती जिससे हम लोग संतुष्ट रहें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आपकी क्या क्या मांगे हैं आज? हमारी मांगे हैं, एक तो हमें नियमित किया जाए, दूसरी मांग है हमारी राज्य कर्मचारियों को जो दर्जा दिया जाता है वो हमें दिया जाए, तीसरी मांग है हमारी हमें एक मुफ्त राशि में वेतन चाहिए। ये टुकड़ों में जो पैसा आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाता है वो हमें नहीं चाहिए। बेशक सारा पैसा जो प्रोत्साहन राशि जो मिलती है सारा बंद किया जाए। अच्छा, आज आप कहीं ज्ञापन दे रहे हैं कहीं? आज हम अपने बीएमओ सर को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। आप यहाँ इतनी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं उपस्थित हैं, इसका क्या कारण है? आज हम ये सभी आशा कार्यकर्ता हैं इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें जो हम अपने बीएमओ को आज ज्ञापन देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से, क्योंकि हमें ना हमारी कोई कहीं कदर नहीं है। कहीं जाते हैं तो हमारी कोई जैसे क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें कोई मतलब ये सोचते हैं कि इनको कितना पैसा मिलता होगा, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं मिलता। बहुत कम पैसों में हमें जी समझ लो कि ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हमें चपरासी की तरह है। अच्छा जी, बताइए आपकी क्या मांगे हैं? हमें कम से कम 18,000 कम से न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और रेडी और हमें नियमित भी किया जाए। तो आप आज कहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, किसके नाम से दे रहे हैं? आज हम अपने बीएमओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। का नाम? मेरा नाम बिमला धाकड़ है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ। आज यहाँ इतनी आशा कार्यकर्ता उपस्थित थी और इनकी क्या मांगे हैं जो उनको लेके ये आज ज्ञापन दे रही हैं? ये आशा कार्यकर्ता इसलिए उपस्थित हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दे रही हैं श्री मुख्यमंत्री जी के नाम से। किनको दे रहे हैं ज्ञापन? बीएमओ साहब को। क्या मांगे हैं उनकी? इनकी मांगे हैं कि हमको एक मुक्त राशि दी जाए और राज कर्मचारी घोषित किया जाए और हमको सम्मिलियन उसमें सम्मिलियन किया जाए और हमको टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, एक मुफ्त राशि दी जाए और हमको नियमित किया जाए। थैंक यू सर। आज यहाँ इतनी आशा कार्यकर्ताएं उपस्थित हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया क्या, किस विषय पे ज्ञापन दिया, क्या है? उन्होंने अपना ज्ञापन अपने नियमितीकरण पर दिया है कि हमको नियमित किया जाए, रेगुलर तनख्वाह दी जाए और पैसा बढ़ाया जाए। ये ज्ञापन किसके नाम से दिया है? मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से इन्होंने ज्ञापन दिया है और उनसे इन्होंने गुहार लगाई है कि हमारा नियमितीकरण कर तनख्वाह बढ़ाई जाए। थैंक यू सर।